નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્વાગત છે આપનું ગુજરાતી પાઠશાળામાં આજે આપણે જોઈએ ધોરણ આઠ હિન્દી વિષયમાં પાઠ છ ભરત એનો અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે આ ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં રહેલો બે લાઈકોન દબાવો જેનાથી આવનાર તમામ સોલ્યુશન તમને તરત મળતા રહે હિન્દી વિષય સિવાય અન્ય વિષયોના સોલ્યુશન પણ આ ચેનલ પર મૂકવામાં આવેલા છે એ પણ તમને આ ચેનલ પરથી મળી રહેશે जो तो ये आपने पाठ छ भरत ना सॉल्यूशन निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए इस एकांकी के आधार पर बालक सर्वदमन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए उत्तर सर्वदमन सुंदर स्वस्थ और आकर्षक बालक है उसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है उसका साहसी और निर्भय स्वभाव देखकर आश्चर्य होता है सिंह शावक के साथ खेलने में वह जरा भी नहीं डरता शावक की मां सिहनी का भी उसे भय नहीं है वह इतना हठी है कि के समझाने का उस पर कोई असर नहीं होता उसके हाथ में चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण है उसे खिलौनों से स्वाभाविक लगाव है बीजो प्रश्न सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में कौन कौन से विचार आते थे सर्वदमन का साहस निर्भयता और बाल हट देख कर दुष्यंत बहुत आनंदित होते हैं उनके मन में सर्वदमन के प्रति प्रेम आता है सर्वदमन के मुख पर अग्नि जैसी दमक देख कर उन्हें आश्चर्य होता है उन्हें लगता है कि यह निश्चय ही किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है बालक के हाथ में चक्रवर्तियों जैसे लक्षण और उसकी कमल जैसी हथेली देखकर वे आनंद और आश्चर्य में डूब जाते हैं सर्वदमन के साथ के हाथ से सिंह छुड़ाते समय वे बालक के हाथ का स्पर्श कर अत्यंत सुख का अनुभव करते हैं वे सोचते हैं कि जब उन्हें इतना सुख होता है तो जिस भाग्यवान का यह बेटा है उसे कितना सुख होगा इस प्रकार सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में तरह तरह के विचार आते थे बीजो प्रश्न है इसे कंकी में निम्नलिखित पात्रों में अंतर्निहित मूल्य बताइए। एक दुष्यंत राजा दुष्यंत कोमल हृदय के व्यक्ति है बालक सर्वदमन की बाल चेष्टाएं उन्हें मुग्ध कर देती है उसके प्रति राजा के मन में स्नेह उमड़ने लगता है वे सोचते हैं कि यह उनका पुत्र होता तो कितना अच्छा होता फिर ऐसी घटनाएं घटती है जिनसे सिद्ध हो जाता है कि बालक सर्वदमन उन्हीं का पुत्र है तब दुष्यंत के आनंद की सीमा नहीं रहती उनका पितृुर से भर जाता है बीजु से सर्वदमन सर्वदमन असाधारण बालक है आश्रम की तपस्वीनिया उसे सिंह शावक को छोड़ देने के लिए समझाती है पर वह उन्हीं उनकी बात नहीं मानता दुष्यंत से वह जरा भी परिचित नहीं है फिर भी वह उनके कहने पर सिंह शावक को छोड़ देता है उसकी सूरत भी दुष्यंत की सूरत से मिलती है अपराजित नामक रक्षा सूत्र भी प्रमाणित कर देता है कि सर्वदमन दुष्यंत का ही पुत्र पुत्र है। इस प्रकार पिता और पुत्र दोनों एक दूसरे से अनजान है फिर भी उनके बीच पिता पुत्र से सी भावधारा बहने लगती है प्रश्न नंबर त्रन छे इस परिच्छेद को ध्यान पूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर तीचे। फकर आपेलो फकर वाची प्रश्न न जवाब लखवा एक, एक अच्छा जंगल क्या कहलाता है एक अच्छा जंगल जैविक भंडार घर कहलाता है बीजू जंगल को ज्यादा चोटने या खत्म करने से क्या नुकसान होता है जंगल को ज्यादा छाटने या खत्म करने से अत्यंत उपयोगी और जरूरत के समय काम आने वाली बहुमूल्य वस्तुएं नष्ट हो जाती है त्रीजु इस परिच्छेद का उचित शीर्षक दीजिए जंगल की सुरक्षा हमारा कर्तव्य चार पर्यायवाची शब्द लिखिए जंगल घर बहुत जंगल वन घर ग्रूह आवास बहुत अधिक पांचवों इस परिच्छेद आधारित दो सवाल बनाइए एक जंगलों की सुरक्षा क्यों आवश्यक है बीजू जंगल हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है चार सोच अपनी अपनी एक आपको कौन सा टीवी प्रोग्राम अच्छा लगता है क्यों दस पंद्रह वाक्यों में वर्णन कीजिए आजकल टीवी के विविध चैनलों पर कई प्रोग्राम दिखाए जाते हैं सीआईडी क्राइम पेट्रोल रसोई शो सास बिना ससुराल समाचार बड़े अच्छे लगते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा आदि प्रोग्राम बहुत लोकप्रिय हैं। इन प्रोग्रामों में तारक मेहता का उल्टा चश्मा नामक कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगता है यह स्वच्छ पारिवारिक कार्यक्रम है इसमें गोकुलधाम सोसाइटी के सभ्यों के जीवन से संबंधित विविध प्रसंगों और घटनाओं का सुंदर चित्रण किया गया है जेठालाल दयाबेन डॉक्टर हाथी बबीता जी सोधी और टपूसेना आदि पात्रों का अभिनय शानदार है एक दिन जेठालाल अपने ही गोदाम में अपने सहायक नटू काका के हाथों गलती से कैद हो जाते हैं इसके कारण उन पर जो बीतती है उसका बड़ा मार्मिक चित्रण दिखाया गया था इसके अतिरिक्त टप्पू सेना की शरारतें सोसाइटी का खेल महोत्सव पत्रकार पोपटलाल की पार्टी आदि प्रसंगों का प्रदर्शन बहुत ही मनोरंजक था इस सीरियल में दिखाए जाने वाले सभी प्रसंग पूर्ण एवं शिष्ट होते हैं विविध प्रसंगों में हास्य रस सहज ढंग से निष्पन्न होता है सब प्रसंग बहुत ही मनोरंजक एवं शिक्षाप्रद होते हैं इसलिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है बीचो प्रश्न से कक्षा में पढ़ाई कर रहे हो और धरती कंप आ जाए तो आप क्या करेंगे कक्षा में पढ़ाई करते समय यदि धरती कंप आ जाए तो मैं खड़ा चोर से चिल्लाओ भागो भागो जल्दी बाहर निकल जाओ धरती कम आया और ऐसा चिल्लाते हुए साथियों के साथ में शाला भवन से बाहर आ जाऊंगा स्वाध्यानो प्रश्न एक छे प्रश्नों के उत्तर लिखिए एक ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा बालक वन के पशुओं के बच्चों के साथ निडर होकर खेलता था उसके इसी साहस और निर्भीक स्वभाव के कारण ऋषियों ने उसका नाम सर्वदमन रखा था। रखा दुष्यंत बालक के प्रति क्यों आकृष्ट हो रहे थे उत्तर बालक स्वस्थ सुंदर निर्भीक तथा ठीला था उसकी इन्हीं विशेषताओं पर मुग्ध होकर दुष्यंत उसके प्रति आकृष्ट हो रहे थे त्रन दुष्यंत ने पूर्ववंशीय जीवन की कौन सी दो रीतियां बताई दुष्यंत ने पूर्ववंशीय जीवन की ये दो रीतियां बताई वे युवावस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं बीजु, वृद्धावस्था में वे तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं पची नो प्रश्न चित्रों का अवलोकन करके अपने शब्दों में कहानी लिखी चित्र आपेलु वार्ता लिखवा तमने વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા સોલ્યુશન પૂર્ણ થાય છે જો તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો અને અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનો ભૂલતા નહીં વિડીયો જોવા બદલ આભાર